हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाइक अब्रार एंड आई एम बैक विद दिस न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है ये एक सरप्राइजिंग ब्लॉग है आपके लिए। नो, इट्स नॉट अ सरप्राइज बिकॉज आई नो यू हैव ऑलरेडी रीड द टाइटल ऑफ द वीडियो। तो हाँ, लेकिन स्टिल आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू गाइस डोंट नो। तो जो आज का दिन है आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज आज जो है हम जा रहे हैं मेरे लिए गाड़ी लेने के लिए, तो जो मैंने बुक की हुई थी काफ़ी टाइम से। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हैज बीन 7 मंथ, आई लैंडेड इन कैनेडा एंड नाउ आई एम गेटिंग माई कार। भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी 7 महीने बस से जब ट्रैवल करा तो पता चल गया कि अपने से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है पहला स्टेप यही था कि कुछ भी करके पहले फीस को अपनी करा के फिर सोचा था कि सबसे पहले हमें गाड़ी लेनी है। तो आज दिन आ गया है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, जा रहे हैं गाड़ी लेने। देखते हैं कौन सी गाड़ी हमने ली है और कैसी गाड़ी है, आपको भी दिखाते हैं। चलिए आइए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जहां से हमें गाड़ी पिक करनी है और दिखाता हूं मैं आपको कौन सी गाड़ी है हमारी। और वैसे एक चीज़ और, हमारी जो कार है वो हुंडई कंपनी की है, तो मैंने ये ली है वेक्सडेल हुंडई से जो इटोबी में लोकेटेड है उनका स्टोर। मैं वहां पहुंच चुका हूं और मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं कहीं खड़ी हुई है, दिख रही है मुझे। तो बस अभी आपको भी दिखाता हूँ कैसी है, पहले अंदर जाके देख लेते हैं पेपर वर्क क्या क्या है। ये है रेक्सडेल हुंडई जो आपका इटोबिको में है, काफ़ी अच्छा आउटलेट है इनका, ये काफ़ी अच्छी डील्स ये दे देते हैं। तो इन्होंने मुझे भी एक डील दी हुई है जिसकी वजह से मैंने ये न्यू ब्रांड न्यू कार जो है मेरा ऑप्शन बना था कि मुझे ले लेनी चाहिए। अदरवाइज़ वैसे मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं यहाँ यूज्ड कार लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे जो बंदा है जिसके थ्रू मैंने ये कार ली है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं उन्हें, इश्पनीत, काफ़ी अच्छा बंदा है। उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मुझे फौरन समझ में आ गई। चलिए अंदर चलते हैं, आप देखते हैं क्या है। Finally, I am at Rexel Hyundai Itobico and I am with Amaluddin sir and he is the best financial advisory here. First, let's talk to the Amar sir. Good afternoon, namaste, assalamualaikum, sasrikaal. My name is Amaluddin. I'm one of the business managers here today at Rexel Hyundai. It's a pleasure to be here with Colin Chick. I've had the pleasure of being a business manager for close to a decade now. I specialize in all forms of credit approvals and it's a pleasure to be sitting here with him. And first I would like to thanks to his work and appreciate his work because you guys should know that he took only few minutes to get approved my loan here. He gave me extremely exclusive price for interest rate. So भाई मैंने बाहर मार्केट में भी ट्राई किया और यहाँ पर भी आकर मैंने चेक किया, जो यहाँ का इंटरेस्ट रेट मुझे सर ने जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन अप्रूव करवाया है वो शायद ही कहीं और मिलेगा मुझे। तो सर सबसे पहले जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा मतलब थैंक्स बोलूँगा मैं एंड ऑल क्रेडिट गोज टू अहमद सर। अच्छा अहमद सर, एक मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। Absolutely. वो ये है कि अक्सर क्या होता है जो न्यू कमर्स होते हैं कनाडा में, सो पीपल दे प्रीफर टू गो विद प्राइवेट डीलर्स इंस्टीड ऑफ ब्रांड शोरूम। लाइक लोग क्या करते हैं कि बाहर डीलर्स के पास जाते हैं, वहाँ से अपनी कार का जो है वो लोन कराने को, उनके माइंड में ये होता है कि हमारा लोन वहाँ से हो जाएगा या अप्रूव नहीं हो पाएगा ब्रांड शोरूम पे। तो इस पर मैंने अक्सर ये चीज़ें नोटिस की हुई हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? My recommendation is to visit our dealership so that we can make a customized approach, right? There are specific programs that the banks have and we can issue all types of loans and best interest rates for our customers so that they don't have any difficulties getting their loans approved. Isme to no doubts reasons seriously like Amos sir ne keher kiya hai aur mujhe jo hai 2% se bhi kam interest rate mein sirf itna hi bataunga, 2% se bhi kam interest rate par mujhe jo hai लोन अप्रूव करवा कर दिया है। मुझे फाइनली हुंडई वेक्सडेल हुंडई से कार मिली है और उसके अलावा लाइक इनिशियली व्हेन आई वाज लुकिंग अ कार सो आई वाज लुकिंग अ यूज्ड कार, आई विजिटेड मेनी प्राइवेट आउटलेट्स प्राइवेट डीलरशिप एंड दे वर ऑफरिंग मी लाइक 5.99 एंड 6.99 इंटरेस्ट रेट। सो लाइक आई नो इट वॉज ह्यूज बट व्हेन आई विजिटेड हियर वेक्सडेल हुंडई एंड आई मेट यू, यू गिव मी लाइक 2% सीरियसली मैन, लाइक इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। तो वही है कि जैसे मैंने कहा, मतलब मैंने अक्सर देखा है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी मुझसे कहते हैं हम प्राइवेट डीलर से ले लेते हैं, हमारा लोन अप्रूव नहीं होगा या वो है। तो मतलब सिंपल इज दैट, आई विल सजेस्ट यू गाइस
जस्ट यू गैस नीड टू विजिट द ब्रांड शोरूम, रेक्सडाल हुंडई आइए, अहमद सर से मिलिए, यहाँ पर आकर आप चेक कीजिए जो भी आपके इश्यूज हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोन नहीं हो पा रहा है, कोई इशू रहेगा, तो वो भी आपको सर जो है डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे, एंड यू गैस कैन एटलीस्ट सॉर्ट इट आउट कि हाउ कैन यू गेट, लाइक हाउ कैन यू सेव योर मनी, यू कैन गेट एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट रेट। भाई अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है फाइनली, और अब गाड़ी जो है हमें मिल चुकी है, तो चाबी हमारे पास अंदर रखी है, ये हमारी की है, और ये खड़ी है हमारी कार जो है हुंडई सोनाटा स्पोर्ट्स 2022 1.6 टर्बो, एंड जिसका मैं जिक्र कर रहा था इश्पुनीत भाई, एंड ही इज़ द पर्सन, ही इज़ वन ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हियर, सो ही रियली अ नाइस गाय, और बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने ही मुझे एडवाइस दी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आई वॉज लुकिंग ए यूज़ कार, तो जब मैं सब जगह घूम के यहाँ भी मैं यूज़ कार के लिए ही आया था, उन्होंने मुझसे कहा सिंपली जो चीज़ मेरे माइंड में थी कि भाई देखो कार मार्केट बहुत पीक पे है, मैं तुम्हें सोनाटा सेकेंड हैंड दे सकता हूँ, या तो उसके किलोमीटर ज़्यादा होंगे या वो एक्सीडेंटल होगी, इससे बेटर क्यों ना तो न्यू लैंट्रा इन्होंने मुझे सजेस्ट की थी कि तुम्हें लैंट्रा ले सकते हो, तो उसके अलावा इन्होंने मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी डील्स बताई थी जो मुझे यूज़ कार से भी बेटर, एट द एंड फिर इलेक्ट्रा के बजाय मुझे फिर सोनाटा उस डील में मिल गई, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा था मेरे लिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मैं अल्ट्रा टेक जो मॉडल था अल्टीमेट टेक वो देख रहा था इलेक्ट्रा का, और फिर सोनाटा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो सोनाटा फिर सोनाटा होती है, वो भी स्पोर्ट्स है, और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं है थे उसमें, प्लस और भी इन्होंने बहुत सारी डील्स दी हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम था, प्लस आपका 90 डेज तक ऐसे मुझे पे नहीं करना है यार, इतनी अच्छी डील कोई देगा तो मैं कहीं और क्यों जाऊँगा, फिर इन्हीं के पास आऊँगा, मतलब सिंपल इज़ दैट कि भाई बहुत ही बढ़िया इंसान था, उसने मुझे एक सिंपल सी राय दी कि देखो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद सोचा क्यों ना फिर मैं यही करूँ कि अगर मैं सेकेंड हैंड कार ले रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा वो लग रहा है, तो अभी तक इसकी जो है फील कैसी है सोनाटा की? मेरे भाई दोनों का बहुत अच्छा रिव्यू है, इलांट्रा और सोनाटा भी, आप देख लो शेप देख रहे हो, इस प्राइस में जो आपको क्वालिटी जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं, आप जितनी भी कॉम्पिटेटिव कार्स देखो सबका या प्राइस कम है बट क्वालिटी नहीं है, या प्राइस ज़्यादा तो आपकी रेंज में नहीं आएगी, ठीक है, बट इसमें हुंडई आपको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, अब जिस हिसाब से जो फीचर देखो आपको उतने फीचर्स उतने पैसे में मिल रहे हैं, तो आप देखो 1.6 टर्बो इंजन, आप गाड़ी देखो पूरी लग्जरी गाड़ी है, बाकी आप पिकअप देखो क्योंकि 1.6 टर्बो है, सो आई थिंक यू विल बी रियली हैप्पी। दूसरी चीज़ उसके साथ इन्होंने मुझे जैसे विंडो जो है वो टिंटिंग भी करा दी है उसके, और रस्ट प्रूफिंग बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो भाई ने इतना ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करूँगा मैं तो इनके वर्क को, ऐसे बंदे अगर हर जगह हों तो आपको भी रिकमेंड करूँगा, इवन आपको विजिट करना चाहिए रेक्सडाल हुंडई जो इंटरव्यू में है, कि इसका एड्रेस और सारी चीज़ें इवन स्पुनीत भाई की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अहमद भाई से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इज़ ऑल्सो नाइस गाय, तो फिलहाल के लिए अब हम चलते हैं, आप आओ हमारे पास, कुछ भी सजेशन चाहिए कौन सी गाड़ी लेनी है, आई विल गिव यू अ गुड एडवाइस, हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि गाड़ी भेज दे बात करो, आप आओ आपके लिए जो सही है वी एम्पथाइज विद योर सिचुएशन एंड देन सजेस्ट यू व्हाट यू रियली वांट, सो आप आओ डोंट वरी, ही विल गिव माय नंबर, मेरे को कॉल करो टेक्स्ट करो एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू गाइस। एग्जैक्टली, और रही बात गाड़ी की, इसके फीचर्स के लिए हम अलग से रिव्यू करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसके लिए मैं सिर्फ उसका रिव्यू के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें आपको गाड़ी के फीचर्स बताऊँगा, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।